बालों को चूहे बनाने में बहुत समय लगता था, लेकिन उससे लेकिन इससे तस्वीर खींचते ही बच्चे खरगोश बन जाएंगे। आप पृथ्वी लोग से हर बच्चे को मिटा देने का सपना मेरा पूरा हो जाएगा। लेकिन लेकिन क्या सलाका, इस अकेले यंत्र से इतने सारे बच्चों को खरगोश बनाने में बहुत समय लग जाएगा। हाँ, ये बात तो है, समय नहीं है मेरे पास। कहा एकदम सही तुमने गायन काकली, गायन काकली जी कहा आपने एकदम सही। चलिए सोचनी चाहिए थी ये बात आपको यहाँ पर आने से पहले। आ गई मुंह उठा के इस इकलौते यंत्र के साथ, और साथ में लाकर मुझे कर दिया मेरा भी समय बर्बाद मुफ्त में। चलिए किया क्या आपने ये परिभयंकर, तुम वाकई बुराई की रानी हो। अब देखना भयंकर परी, मैं ये काल चित्र यंत्र पृथ्वी लोग की सारी डायनों को बांट दूंगी। फिर डायने इस यंत्र से चित्र खींचेंगे और बच्चे खरगोश बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। डायनो जाओ और पूरे पृथ्वी लोग की सभी डायनों को एक जगह इकट्ठा करो। मैं सारी डायनों का एक महासम्मेलन करवाना चाहती हूँ। जाओ और हिंदुस्तान के कोने कोने से सभी डायनों को एक जगह एकत्रित करो। और बच्चों अब तुम्हारे पूरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि काकली को अब एक नया यंत्र मिल गया है। आज से तुम्हारी जिंदगी का नक्शा ही बदल देगी। भयंकर खुश मेहर, हम तो इस सेमिनार में बहुत मजे करेंगे ना। हाँ, और हमें वहाँ बहुत कुछ सीखने मिलेगा। पर ये तीनों बेचारे तो यहीं रहेंगे और हम तो खूब मस्ती करेंगे। वैसे इन तीनों का सेमिनार में कोई काम भी नहीं है, मुझे तो लगता है आज तक इन्होंने हिस्ट्री बुक खोल के भी नहीं देखी होगी। हाँ, और इसलिए उसने गुस्से में आकर इनका फ्यूचर ही खराब कर दिया। मेंटर रोहित केवल। यस सर। मुझे ये बताते हुए ये खुशी बिल्कुल नहीं हो रही है कि तुम हमारे साथ हिस्ट्री के सेमिनार में आ रहे हो। तो सर हम भी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन बन गए, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, इसीलिए तो अपने पापा की सिफारिश पे आ रहे हो। और हाँ, मुझे बिल्कुल पता है कि तुम वहाँ हिस्ट्री में तो कुछ नहीं करोगे, लेकिन खाने पीने में अपना रिकॉर्ड तोड़ दोगे। सही कहा सर आपने, हम आपके उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। अच्छा चला सर, आप आगे जाइए, मैं मेरी कार से आऊंगा चेंज करके। चलो बच्चा हम चलते हैं। चलो सर। चलो चलो चलो,
हम भी चलते हैं। हो गया हूँ मैं परेशान बन के खरगोश, पता नहीं कब बनूंगा मैं डूबा डूबा एक दोबारा। ये लग रहा मुझे कि सारा जीवन खाना पड़ेगा मुझे सिर्फ गाजर। नहीं नहीं, शुप शुप बोल डूबा डूबा एक, शुप शुप बोल। बेचारा डूबा डूबा एक कितना परेशान हो रहा है। इसकी ऐसी दशा देख के हमें भी बहुत दुख हो रहा है, पर हम करे भी तो क्या करे विचार परी। हम परियों ने हमारी तरफ से सारे प्रयत्न करके देख लिए, परंतु डूबा डूबा एक को अपने सही रूप में नहीं ला पाए। आप ठीक कह रही हैं भटकाती परी, हमारा कोई भी जादू डूबा डूबा एक को फिर से डूबा डूबा एक बनाने में सफल नहीं हो पा रहा। पता नहीं नटखट परी ने ये कौन सा यंत्र बनाया जिसके जादू का कोई तोड़ ही नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम करें तो करें क्या, किसकी मदद लें। बालवीर। हाँ पर, हमें बालवीर को बुलाना होगा। पहले हमें लग रहा था कि हम इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे और इसीलिए हमने बालवीर को नहीं बुलाया, लेकिन अब हमें लगता है कि बालवीर के बिना इस समस्या का हल हम नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ रानी परी, हमें भी ऐसा ही लग रहा है, अब बालवीर ही हमें कोई रास्ता दिखा पाएगा। आइए। ये वाह 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 वाह, ग्रीन विलेज रेस्टोरेंट। होटल ग्रीन विलेज रिसॉर्ट में आपका स्वागत है, यहाँ पर आपके रहने के सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। तो अब आप लोग रिलैक्स कीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है और थिएटर भी है। अरे वाह, खाना है। बच्चों आप लोग चिंता मत करो, यहाँ पर सारा टाइम खाने का बुफे लगा रहता है। इधर। हाँ, उधर। उधर उधर। हमारे रूम किधर है? हाँ, आपका रूम इधर है। इधर। आ जाओ। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे, इन सबको खरगोश बनाने में बड़ा मजा आएगा। यही कहीं तो रखी थी योगा करने वाली किताब, पता नहीं कहाँ रख देते बच्चे भी ना। कहाँ गई कहाँ गई। ये लो, ये रही मेरी योगा करने वाली किताब। ये किताब योगा करती है? अरे वाह किताब, चलो चलो योगा करके दिखा। अरे बेटा, किताब को योगा नहीं करना है, किताब पढ़ के योगा करना है तुम्हारे बापूजी को। क्या? अरे मुझे मुझे योगा करने की क्या जरूरत है, मैं एकदम फिट हूँ। ये देखो। इनके कहने का मतलब है बापूजी को दर्द हो रहा है। तो दर्द तो होगा ही ना, तुम योगा की बात करोगी तो। अब मैं भी क्या करूं, अब जरा जरा सी बात पर अटक जाते। पिछली बार जब आप रिक्शा में गए थे तब आप अटक गए थे, छपरा फाड़ के आपको निकालना पड़ा था। लेकिन माँ, तुम क्या कहना चाहती हो कि बापूजी रिक्शे में ना बैठे? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर इनके शरीर का लचीलापन कम हो गया है, योगा करेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ बाबूजी, बाबूजी योगा योगा कीजिए ना बाबू। हाँ योगा करिए, योगा करिए। होगा योगा होगा। अच्छा चलो ठीक है, आप लोग इतना ही कहते हो ना तो मैं करता हूँ। हाँ लाओ किताब। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? अरे अभी मैं अटक गया, अब मुझसे योगा कैसे होगा? माँ, वो कल हमने जलेबी जो खाई थी वो बची है क्या? हाँ बहुत सारी बची है। जलेबी?
बाबूजी मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 मिनट योगा कीजिए, मैं बाहर जाके जलेबी फाफड़ा लेके आता हूँ। जलेबी फाफड़ा? हाँ तो मैं करता हूँ योगा थोड़ी देर। और ये आसन देख, कमाल का आसन है ये। बराबर। ये मैं अटक गया हूँ, मैं अटक गया हूँ। क्या क्या? करो कुछ बालवीर, करो कुछ बालवीर। डुबा डुबाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से डुबा डुबाई बनाने का कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लूंगा। बालवीर हम सब प्रयत्न करके देख चुके हैं पर कुछ नहीं हुआ। हाँ बालवीर, हम कालचित्र यंत्र के जादू का तोड़ नहीं ढूंढ पाए। लेकिन रानी पर अगर हमें कालचित्र यंत्र मिल गया तो हम इस समस्या को आसानी से सुलझा पाएंगे। बालवीर हमने कालचित्र यंत्र को पूरे परिलोक में ढूंढ लिया परंतु हमें वो यंत्र कहीं नहीं मिला। हाँ बालवीर, अब हमें पूरा विश्वास है कि वो यंत्र परिलोक में नहीं है। रानी परी, कहीं ये किसी की शरारत तो नहीं? नहीं गाल परी, परिलोक में ऐसी शरारत कोई नहीं कर सकता। रानी परी, हमें तो लगता है कि वो यंत्र किसी बुरी शक्ति के हाथ लग गया है। हाँ, अगर ऐसा है तो वो बुरी शक्ति उस काल चित्र यंत्र की मदद से बच्चों का चित्र खींचकर उन्हें खरगोश बनाने की कोशिश जरूर करेगी। बच्चों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इसलिए रानी पर इससे पहले कि वो बुरी शक्ति बच्चों का चित्र खींचकर उन्हें खरगोश बनाए हमें उस तक पहुंचकर उससे वो यंत्र छीनना होगा। रानी पर मुझे आज्ञा दीजिए। जी बाली, हमारी आज्ञा है, आप जाए। बाबूजी को पकड़ के रखिए, मैं अभी आता हूँ। ये लाठी क्यों लाया? ये लाठी सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए। अरे हाँ हाँ लीजिए बाबूजी, बराबर बाबूजी बराबर। महेश महेश, ये बांबू पर मैं कब तक लटकता रहूंगा? मुझे जी जंजाल से छुड़ाओ। मैं कुछ आइडिया लगाता हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, किसी को हिचकी आती है तो हम उसे पानी पिलाते हैं। मुझे पता है पानी पिलाते हैं, लेकिन हम उसे हैरानी में डालकर उसका ध्यान बताकर हिचकी रोकते भी तो है। मुझे को हिचकी नहीं आई, बाबूजी अटक गए। मेरे कहने का मतलब है बाबूजी को हैरानी में डालकर उनका ध्यान बटाकर हम उन्हें छुड़वा सकते हैं। लेकिन कैसे? मैं समझ गए। बाबूजी खुल गए। अरे काम करो, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, उसके ऊपर पानी डाल दो। तो मेरे कहने का मतलब है फायर ब्रिगेड को बुलाओ, उसे कहे आग पे पानी डाल दे। बुझ गई है बापू जी, आग बुझ गई है, आप भी बुझ जाइए। मतलब बापू जी आग लगी नहीं है, वो आपको हैरानी में डालने के लिए हमने आग लगने का नाटक किया। हाँ बापू जी, वो हमने सोचा कि आपको डरा कर ही आपको छुड़वा दे। हाँ। और मेरे परिवार के जरूरत से ज्यादा अकलमंद प्राणियों, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मुझे ऊपर वाला ही खोलेगा।
बाबूजी बाबूजी हमारे ऊपर तो कोई नहीं रहता है, तो फिर ऊपर वाले कौन? महेश की सॉरी बाबूजी, ऊपर वाले नहीं, आपको हम नीचे वाले ही छुड़वाएंगे। ऐसा खोलेंगे मैं टूट के बिखर जाऊंगा। नहीं बापू जी, ऐसा खोलेंगे कि आप कभी जुड़ ही नहीं पाओगे। मतलब आप कभी अटकेंगे ही नहीं। हे ऊपर वाले, मुझे नीचे वालों से बचा ले। आजी भारत की डायनो को आमंत्रित कर दिया है ना? मैंने पूर्व दिशा की सारी डायनो को आमंत्रित कर दिया है, और मैंने पश्चिम दिशा की, और मैंने उत्तर और दक्षिण दिशा की सभी डायनो को आमंत्रित कर दिया है। और पता है, ये जानकर कि काफी मैडम ने उन्हें बुलाया है, वो सभी कितनी खुश हुई थी। हाँ हाँ, खुशी का दिन तो होगा ही, क्योंकि मैडम काकली आज उन्हें कुछ नया जो दिखाने वाली है। हाँ, पर मैडम काकली आए तब ना। चलो सब मिलकर मैडम काकली को बुलाते हैं। डायनो, सारी डायनो को बुला लिया? हाँ मैडम काकली, और सब बेकरार है ये जानने के लिए कि आज आप उन्हें क्या दिखाने वाली हैं। हाँ मैडम, हमसे भी रहा नहीं जा रहा है। जल्दी बताइए ना कि एक यंत्र से बच्चों को कैसे खरगोश बना सकते हैं। शोर मुझे पसंद है, उन बच्चों के शोर से तो मुझे नफरत है। देखते हैं। चल मानो मैं, अरे जल्दी आ जा, सब रेडी है।